शोज कुछ इंट्रोडक्शन की वैसे तो जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बोला तो मैंने बताया। और ये है हमारे मनी, ही इज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर द सॉन्ग एंड दैट इज अल्ताफ सैयद, ही इज द म्यूजिक डायरेक्टर एज वेल एज द सिंगर फॉर द सॉन्ग। ओके, कब आपके आफ्टर बिग सक्सेस ऑफ योर सॉन्ग सारा अली खान सारा के साथ, तो कैसा रहा सर को लेना और मैम के साथ कोलैबोरेशन, थोड़ा कुछ बताइए। मैं बताऊं कि उनसे पहले सर आप बताइए सर, आफ्टर नागी यू डिड अ बिग हिट एट, इस सॉन्ग को कैसा करना? कुछ खा पी के आए हो आप लोग? यस। ओके, सबसे पहले कैप्टन ऑफ द शिप से स्टार्ट करते हैं सर। पहले हमने देखा कि तेरे जिस्म और तेरे जिस्म टू, सबसे पहले ये बताइए कि ये गाने की क्या खास बात होने वाली है, और वो गाना जो है बहुत लोगों ने पसंद किया और लोगों के बीच में बना रहा, कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई बहुत सारी, थोड़ा सा बताइए सर उस बात। तेरे जिस्म जो पहला पार्ट था वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, जबकि हमने ऐसा कुछ चाहा नहीं था उसके अंदर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमको डाउट था कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो, और हो गई। तेरे जिस्म टू बनाने की यही वजह थी कि बेसिकली जो भी वो इमेज एक तेरे जिस्म मन में सेट किया था हमने, उसको थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके जाना था हमें, और ये बताना था कि कोई कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्टर हमें इसमें क्रिएट नहीं करना है, हमें प्योरली फ्रॉम द गुड ऑडियो और वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे एक्टर्स के साथ एक वीडियो बनाना है। पहले में भी अच्छे एक्टर्स थे, इसमें भी हमने उससे और अच्छे एक्टर्स के साथ करने की पूरी हमने ट्राई करी है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो है ऑडियो पॉइंट ऑफ व्यू एंड वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा तेरे जैसे मन से ज़्यादा पसंद आएगा। जैसे आपने कहा कि कपल के मामले में आपने और इम्प्रूव करने की कोशिश की, थोड़ा सा बताइए एक्टर्स के बारे में कि कैसे मतलब आपने चुनाव किया स्पेशली फॉर दिस। इसमें कोई चुनाव वाली कोई पॉलिटिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका चुनाव करने की हमको ज़रूरत पड़ी, लेकिन लेकिन हाँ जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया वो म्यूज़िक लेबल का काफ़ी एक बड़ा हाथ होता है हर एक चीज़ को डिसाइड करने में। तो जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये पार्ट टू बनाया जाए तो किसको लिया जाए, तो ये एक जॉइंट डिसीजन था बिटवीन द म्यूज़िक लेबल एंड हमारे बीच में एक जॉइंट डिसीजन हुआ कि अली लुक्स लाइक अ गाय हु कैन बेसिकली पुल दिस ऑफ, एंड कंगना वी नीडेड अ वेरी हॉट ब्यूटिफुल लुकिंग काइंड ऑफ अ गर्ल हु कैन पुल इट ऑफ। सिर्फ शक्लों की ज़रूरत नहीं होती, शक्लों के साथ उस चीज़ को जस्टिस देने की बहुत ज़रूरत होती है, गाने को और परफॉर्मेंस को आपको ऐसा देख के लगना चाहिए कि हाँ ये वो दो कैरेक्टर हैं जो इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। एक लड़की को भी देखकर ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़का मुझे चाहिए लाइफ में, और द सेम थिंग हैपेंस विद द बॉय कि लड़की को देखकर ऐसा लगे कि हाँ मुझे चाहिए ये, तो वो केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी थी और वो लुक बहुत ज़रूरी था, और जैसे आपने वीडियो में देखा कि बोथ ऑफ देम हैव जस्टिफाइड इट टू द कंप्लीट लेवल। अच्छा, पहले आपसे जानना चाहेंगे कितना वर्क करना पड़ा स्पेशली केमिस्ट्री के लिए आप दोनों से? आई थिंक ज़्यादा नहीं, हमने ये एक दिन में पूरा शूट ख़त्म कर दिया था, एंड आई थिंक जैसे डायरेक्ट किया असलम ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया, हमें एक एक सीन से पहले समझा रहे थे और हम दोनों जाके शूट कर रहे थे, एंड केमिस्ट्री अच्छी रही एंड वो दिख रहा है, वो निकल आई, एंड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था जो मैंने लास्ट सॉन्ग किया था उसके बाद ही काफ़ी डिफरेंट था दूसरे सॉन्ग मेरे लिए, एंड कहीं ना कहीं हाथ हुआ सा मेरे को अजीब डर था अंदर अंदर की, पता नहीं क्या होगा कैसा आएगा, मैं बहुत घबराया हुआ था, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत क्लीन दिख रहा है। आई थिंक अगर जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, जो कहानी पोर्ट्रे की गई है, जो दिखाई गई है, वो प्रॉपर स्टोरी पे ही जाता है वो, तो आई थिंक इट्स जस्ट गाना जो चल रहा है उसकी स्टोरी दिख रही है, सो इट्स ब्यूटीफुल, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? केमिस्ट्री के बारे में और कैसी एक्सपीरियंस रहा एली के साथ? ओके, एली के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी, बिकॉज एज यू नो दैट आई हैव डन बिफोर ऑल्सो अ बोल्ड सब्जेक्ट, तो वो कुछ नहीं था, बट हाँ एक होता है कि आप किसी पर्टिकुलर नए लोगों के साथ काम करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा एक झिझक होती है, मतलब थोड़े से इंटीमेट सीन करने में या फिर कुछ उस तरीके का करने में, लेकिन एली ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया, और ऊपर से हमारे डायरेक्टर साहब असलम खान, और ऊपर से गाने में अल्ताफ सैयद जी, तो सब कुछ अच्छा रहा, और केमिस्ट्री आप लोगों को दिख रही है, एंड आई थिंक पीपल शुड लाइक इट एंड दे आर लविंग इट, सो लेट्स सी आफ्टर रिलीजिंग दिस सॉन्ग। आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा बोल्ड सब्जेक्ट है, कितने कंफर्टेबल थे आप, अगर कुछ
शेयर करना चाहे ऑन सेट का कैसा? आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कुछ उसमें ऐसा कुछ बोल्ड था कि जिसमें मैं घबरा जाऊँ, क्योंकि उतना कुछ नहीं था. जैसा शूट करते हुए तो मुझे समझ भी नहीं आया था कि ऐसा सब हो रहा है. ये तो जिस हिसाब से शूट किया गया दिख रहा है, शूट करते बहुत नॉर्मल था, बहुत हंसी मजाक में बहुत अच्छे से हम शूट कर रहे थे. एंड हमने बहुत जल्दी ये पार्ट जो लास्ट का है वो ख़त्म भी कर दिया था. एंड आई थिंक उतना कुछ बोल नहीं कि जिसमें मैं पहले घबराया हूँ या कुछ हो, क्योंकि गाना पूरा डिफरेंट है स्टार्टिंग से एंड तक. एंड एंड में थोड़ा सा इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंटीमेट सीन जो आई थिंक आजकल टीवी पे सीरियल में भी आप देखोगे. हर सीरियल में इतने सीन तो आते ही हैं. लाइक अब मैं गले मिल रहा हूँ, नेक पे किस कर रहा हूँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई भी करता है. अब लोग सब करते हैं, सब करते हैं, आजकल टीवी पे भी चलता है. तो एंड आई थिंक मूवीज में तो इससे भी बहुत बड़ा सब कुछ होता है. तो आई थिंक अगर लोग वो भी एक्सेप्ट करते हैं तो इट्स नॉर्मल. इसके अलावा मैंने जैसे असलम सर से पूछा था कि इसके पहले का वीडियो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो क्या आपने वो वीडियो देखा था और जब अप्रोच किया तो मतलब कैसे आप ऑनबोर्ड आए थोड़ा सा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट गाना था, वो सब कुछ उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, उनका अपना सीन था. तो हमारा जो गाना इन्हें जब मुझे सुनाया तो मैं सुन के बोला कि बहुत अच्छा लगा मुझे गाना, और मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगा. एंड आई थिंक वीडियो एक साइड एंड गाना जितना स्ट्रॉन्ग हो उससे ओवर पावरफुल बन जाता है बेस. एंड आई थिंक गाना इतना अच्छा है तो मना करना बनता नहीं था. हाँ जी, गाने का सिलेक्शन सबसे पहले मैंने गाना ही सुना था, और जो इनके पिछले वीडियो की बात है मुझे तो वो भी बहुत पसंद आया था, और उसका गाना भी और जो उन्होंने पिक्चराइज किया था वो भी बहुत अच्छा लगा था. तो मैंने जब इनका गाना सुना अल्ताफ सर का, तो मुझे वो एक जैसे महेश भट्ट का अभी जैसे फिल्मों में आता है वैसा मुझे सॉन्ग लगा वो सुन के. तो फिर गाना सुनते ही मैंने इनको बोल दिया था कि या दिस इज रियली गुड एंड इट्स गोना बी रियली गुड. तो यस, अल्ताफ सर गाने की काफ़ी तारीफ हो रही है, जैसे हमने भी देखा कि बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे कोलैबोरेशन हुआ? एक्चुअली हम तेरे जिस्म का भी हमने ही किया था, वोकल म्यूजिक सेम टीम है, बस इस बार हमने ये सोचा कि उसी गाने को मतलब उसी कंसेप्ट को सिचुएशन को और बेटर करते हैं म्यूजिकल. तो फिर से हमने अल्ताफ एंड मनी हम लोगों ने मिलके म्यूज़िक किया, मैं फिर से गाया और आनंद जी ने लिरिक्स लिखे इसके. और मैं मानता हूँ कि पहले सॉन्ग से काफ़ी बेटर ये सॉन्ग हुआ है. मतलब पहला भी अच्छा था लेकिन ये और भी मतलब इंटरेस्टिंग हुआ है, और वीडियो भी इतना अच्छा बना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. तो वी आर हैप्पी. सर इसके बाद क्या होने वाला है, वॉट इज़ नेक्स्ट? इसके बाद डेफिनेटली वी आर प्लानिंग तेरे जिस्म 3. तो प्लानिंग ऑन है, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द उसका वीडियो भी प्लान कर रहे हैं. मेरे ख्याल से अगस्त के अंदर उसकी प्लान कर रहे हैं शूट. और इट्स डेफिनेटली गोना बी अबाउट 3 है, तेरे जिस्म 3 है, तो वी आर थिंकिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय. सो लेट्स सी अभी उसको कैसे करेंगे, बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा इससे भी अलग होगा. कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अलग होगा और एक और नेक्स्ट लेवल पे जाने की. 4 में फिर हो सकता है 2 लड़के 2 लड़कियाँ, और फिर 5 में पता नहीं. तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही फैमिली बनती जाएगी. इसके अलावा आपको जो है रियलिटी शो का मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नच बली आने वाला है, तो क्या हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं कि आप दिखाई देने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोला गया था काफ़ी टाइम पहले, बट ऐसा मैंने कुछ अभी प्लान किया नहीं है फिलहाल कि मैं वो भी डांस शो वगैरह कर सकूँ. तो आई डोंट थिंक सो, आई एम गोना डू दिस ईयर, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर. सो क्या नेक्स्ट होने वाला है? नेक्स्ट देख लीजिए, आपकी नेक्स्ट जो आने वाला होगा 20 गाने के बाद सब नेक्स्ट शुरू दिख जाएगा. हो सकता है महेश भट्ट की फिल्म का सीधा ऑफर आ जाए. सही बात है. ओके, थैंक यू थैंक्स.
Thank you, sir.